भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र के भीकनपुर गुमटी नंबर 2 के समीप दो मुर्गा दुकानदारों के बीच वाहन पार्किंग को लेकर जमकर विवाद हुआ। विवाद के दौरान अजमेरी मीट हाउस संचालक बबलू कुरैसी ने चाकूबाजी शुरू कर दी। घटना में मोहम्मद सुराब कुरैसी गंभीर रूप से घायल हो गया। धारदार हथियार से मोहम्मद सुराब के गले में हमला किया जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से आपातकालीन 112 की टीम ने प्रारंभिक इलाज के लिए भागलपुर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। मामले को लेकर घायल मोहम्मद सुराब कुरैसी के पिता मोहम्मद अख्तर कुरैसी ने बताया कि दुकान के सामने गाड़ी लगाने को लेकर बहसबाजी हुई। इस दौरान बबलू कुरैसी ने धारदार चाकू से गले पर हमला कर दिया जिसमें गंभीर रूप से वो घायल हुआ है। घायल कई सालों से मीट हाउस का दुकान चलाता है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे परिजन भी अस्पताल पहुंचे। घटना की जानकारी मिलने के बाद तिलका मांझी पुलिस सदर अस्पताल पहुंची। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले घायलों को बेहतर उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया था। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर भागलपुर के सिटी एसपी श्रीराज ने बताया कि घटना में शामिल अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ जारी है। घटना था यही कि हमारा मुर्गी का दुकान है, इनका खस्सी का दुकान है, जबकि हमसे उससे कोई तरह का कभी कोई तरह का बात नहीं। आज कुछ हुआ होगा, उसी में जो छुरी उठा के उसके गर्दन पे मार दिया। कौन मारा? उसका पापा का नाम है नन्नू कुरैसी। जो मारा है? मारा है जिसका नाम है बबलू। जो घायल है? जो घायल है उसका नाम है सौरभ जी। वो क्या करते थे? वो मुर्गी का दुकान है बगल में, अब मारने वाले का खस्सी का दुकान है बगल में। आखिर किस बात को लेकर लड़ाई? कोई बात नहीं, उससे हमसे कभी कोई तरह का बातचीत भी नहीं हुआ, लेकिन ये तकलीफ होता है कोई कस्टमर आ गया गाड़ी ताड़ी लगाई, उसी में उन लोग थोड़ा सा दौलत कमाया हुआ है, गाड़ी लगाने नहीं देता। दबंग टाइप का? दबंग टाइप का, बहुत दबंग। किस चीज से वार किया है? बड़ा छुरी, बहुत तेज हथियार से। उसका तो हथियार का काम ही है सर, खस्सी काटता है उसका हथियार का काम ही है, बहुत तेज हथियार से मारा गर्दन पर, जरा सा खाली नस पर लटका हुआ गर्दन। हम एक सूचना प्राप्त हुआ कि तिलका मांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत दो दुकानदार के बीच में आपसी झगड़ा हो गया ग्राहक को लेकर, जिसमें तबरेज कुरैसी और निके द्वारा एक चाकू से तेज धारदार हथियार से सोहराब कुरैसी के गर्दन पे हमला किया गया है, जिसमें सोहराब कुरैसी जख्मी हो गए हैं और जो अभी इलाजरत हैं, जिनकी स्थिति ठीक है बनी हुई है, और जो उसमें अभियुक्त है तबरेज कुरैसी, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और फिर सम्मत कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर जिले में सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रहा, लगातार कहीं न कहीं सड़क दुर्घटना होती जा रही है। ताजा मामला भागलपुर की बाईपास थाना क्षेत्र का है, जहां विगत रात्रि करीब 9 बजे एक ओवरलोडेड कपड़ा लदा ट्रक बंगाल से जगदीशपुर होते हुए भागलपुर की तरफ आ रहा था। तभी बारिश की वजह से ट्रक चालक ने अपना संतुलन खो दिया और ट्रक खाई में गिर गई। हद तो तब हो गई जब रात्रि में 10 बजे ट्रक मालिक व चालक बुलेरो से अपने ट्रक को देखने पहुंचा तो तेज गति से आ रहे अन्य हवा ने बुलेरो में जोरदार ठोकर मार दी। इससे बुलेरो चालक को हल्की चोटें तथा अन्य को गंभीर रूप से चोटें आई। मिली जानकारी के अनुसार कपड़ा अवैध रूप से बंगाल से आ रहा था। अब देखना दिलचस्प होगा कि भागलपुर जिला प्रशासन इस कपड़े की जांच पड़ताल करती है या फिर खानापूर्ति कर छोड़ देती है। अभी हम थाना से देख के आई रहे थे, अपना बेलोरो किए तब तक तेज गति से हाईवा आया, इतना जोर से मारा कि 20 फीट गाड़ी मेरा रोड से फिरा। वो हाईवा किधर गया? हाईवा अभी थाना लेके गया। अच्छा, थाना लेके हाईवा को गया है तो किसी का किसी को चोट उठ भी आया है? हमको भी चोट आया सीना में, मेरा सीट बेल्ट लगा हुआ। आप लोग खड़े थे गाड़ी लगा के साइड में? नहीं, गाड़ी में बैठ के कभी रुक ही रहे हैं। और बहुत स्पीड से गाड़ी आई है। आप लोग तो उधर साइड में होगा ना? हाँ, तो साइड में ही थे ना। वो तो ड्राइवर अनबैलेंस कर गया, हाईवा वाला ड्राइवर अनबैलेंस हो गया, वो बहुत स्पीड में था। ये इसके पीछे जो हाईवा जो गिरी हुई वो आपकी हाईवा है? नहीं नहीं नहीं, ये ट्रक मेरा, ये ट्रक आपका है। वैसे वो ड्राइवर क्या पिया हुआ था? नहीं नहीं, ड्राइवर पिया ना था, अनबैलेंस। किसी को कोई क्षति तो नहीं पहुंचा? नहीं, किसी को क्षति नहीं पहुंचा है, किसी को नहीं क्षति किया। घर वाले से भी मिले, वो लोग बेचारा बहुत कोऑपरेट किया है। तो आप लोग जो गाड़ी बोल रहे हो वहाँ खड़े थे, वो कहीं ना कहीं आप लोगों की जान बची? जी, उड़ाया टोका? जान बच गया है सर, सीट बेल्ट मेरा लगा हुआ था। अगर सीट बेल्ट नहीं लगा रहता ना।
भागलपुर में मोती मातृ सेवा सदन नया बाजार में मारवाड़ी महिला समिति के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर जिले के अनेक महिला पुरुषों ने अपना रक्तदान किया। इस कार्यक्रम में पहुंची भागलपुर की महापौर डॉक्टर हुसनैरा लाल ने कहा कि ऐसे समय में एक एक क्षण का महत्व है, उसी प्रकार रक्त के एक एक कण का महत्व है। रक्तदान सबसे बड़ी मानव सेवा है। वहीं भाजपा नेत्री प्रीति शेखर ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला। मौके पर मारवाड़ी महिला समिति की अध्यक्ष मीनू सलारपुरिया, बीना अग्रवाल, संध्या महेश्का के अलावे अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ये रक्तदान सबसे अच्छा दान माना जाता है और ये सबसे बड़ी सेवा होती है। जिस तरह समय का महत्व है एक एक क्षण का, उसी तरह रक्त के एक एक कण का महत्व है। जो लोग जिनको रक्त का ज़रूरत है, जो इंजोर्ड पर्सन है या जिसे जिसकी सर्जरी होनी है रक्त के अभाव में होने पाता है उसके लिए, और वैसे बच्चे जिसको कि अनुवांशिक बीमारियां हैं जैसे थैलेसीमिया है, वैसे बच्चों को रक्त का बहुत ज़रूरत पड़ता है। और इस तरह का जो रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है और इस तरह से जो रक्त दिया जा रहा है, रक्तदान किया जा रहा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी मानव सेवा है। और इससे जो लोग रक्तदान कर रहे हैं, जिस समाज में वो रह रहे हैं, उससे उनका कनेक्ट बढ़ता है, उससे उसकी उसके जो उसके साथ जो लोग रहते हैं उससे उसका महत्व बढ़ता है। वो समझ पाते हैं कि इसका क्या महत्व है और इसमें कोई बुराई नहीं है। सबको रक्तदान करना चाहिए, जेंट्स को, जो पुरुष हैं उनको हर 3 महीना पर रक्तदान करना चाहिए और जो महिलाएँ हैं उनको हर 4 महीना पर रक्तदान करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से विद्यार्थी परिषद ने अपने आंदोलन की आगामी योजना एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखने हेतु आह्वान किया। कुलपति भगाओ विश्वविद्यालय बचाओ अभियान की शुरुआत विद्यार्थी परिषद द्वारा की जाएगी। आपको बता दें, विश्वविद्यालय में आंदोलन के दौरान विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं को प्रदर्शन के दौरान घसीट कर गिरफ्तार किया गया था। प्रेस वार्ता में विद्यार्थी परिषद ने इसका जमकर विरोध किया। विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन को अभियान का रूप देते हुए कहा कि कुलपति भगाओ विश्वविद्यालय बचाओ, यहां उन्होंने शिक्षक संघ, कर्मचारी संघ एवं सभी आम छात्रों से इस समाधान के संघर्ष में साथ देने की अपील भी की। साथ ही बताया कि विद्यार्थी परिषद द्वारा कुलपति को बुद्धि हेतु सतबुद्धि यज्ञ विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के समक्ष किया जाएगा एवं अभियान के तहत अगले चरण में ED विजिलेंस और CBI को विश्वविद्यालय की जाँच के लिए पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सैकड़ों छात्रों के माध्यम से पोस्ट कार्ड
कार्ड भिजवाने की तैयारी की जा रही है। प्रेस वार्ता में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सौरभ शर्मा, नगर मंत्री गौतम साहू सहित विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आंदोलन को हाथ में लिया है और जिसका परिणाम भी छात्रों के बीच और समाज के बीच देखने के लिए मिला। ये पहली घटना हमें लगता है कि विश्वविद्यालय के इतिहास में आया कि विद्यार्थी परिषद के किसी कार्यकर्ता को 11 बजे रात तक बिना किसी कसूर के जेल के फाटक के अंदर बंद करके जैसे कैदी को रखा जाता है उस तरह से रखा गया। यहाँ के कुलपति सीधा SP को दबाव बनाकर जिस तरह से अपने काले करतूत को छिपाने का कार्य कर रहे थे वो सभी ने कल देखा। अब हम लोग आते हैं कि हमारा अब एक लक्ष्य मात्र रह गया है, इस विश्वविद्यालय को बचाना है। तो छात्र समुदाय से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, विनती है और मैं चाहता हूँ उनसे आह्वान करता हूँ कि आइए हमारे साथ और चलिए इस विश्वविद्यालय को बचाएं और कुलपति को भगाएं। विद्यार्थी परिषद ने ये नारा दिया है, सिर्फ शिक्षा में हम भीख नहीं अधिकार मांगते, शिक्षा में 100% बदलाव मांगते। कहीं ना कहीं इस तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की साख जो इतिहास है उसको धूमिल करने का प्रयास और धूमिल किया जा रहा है तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के भ्रष्ट कुलपति जवाहरलाल के द्वारा। हम सभी जानते हैं कि आज हजारों से अधिक छात्रों का लगातार जब भी परिणाम आता है तो जानबूझकर प्रमोट किया जाता है। कहीं ना कहीं इस विश्वविद्यालय के अंदर आर्थिक उगाही इस परीक्षा विभाग और कुलपति के मिलीभगत से चल रहा है। दूसरा हमारा सबसे बड़ा विषय है कि आज बिहार के सभी विश्वविद्यालय में SC/ST के छात्र तथा सभी वर्गों की छात्राओं का नामांकन UG से लेकर PG तक निःशुल्क होता है, मगर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय क्या बिहार सरकार से बाहर है? पिछले दिनों हमारे आंदोलन का परिणाम रहा कि एक सत्र में सभी छात्राओं का तथा SC/ST के भाइयों का नामांकन निःशुल्क हुआ, फिर से उस आवेदन को वापस लेकर आज फिर से शुल्क के आधार पर एडमिशन लिया जा रहा है। पिछले करीब एक सप्ताह से विद्यार्थी परिषद BC के खिलाफ, यहाँ के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रही है। हम लोगों ने अलग अलग कॉलेजों में वहाँ पे जो भी समस्या था उसका मांग दिया। कॉलेज कैंपस में हम लोगों ने पुतला फूका, विश्वविद्यालय में पुतला फूका और हम लोगों ने कहा था कि जब तक यहाँ के सभी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, छात्राओं का निःशुल्क नामांकन नहीं करवाएंगे, तब तक हम लोग अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। और यहाँ के जो हमारे माननीय चोर कुलपति हैं वो कुलपति छात्र की आवाज़ को दबाने के लिए कल विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को यहाँ से गिरफ्तार करा लिए। उनको लगा कि इनकी गिरफ्तारी से यहाँ ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। हम लोगों को 1 बजे गिरफ्तार किया गया और रात्रि के 11 बजे बिना किसी जुर्म के, बिना किसी FIR के थाना में बैठा के रखा गया। अपने कार्यों और बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले भागलपुर के गोपालपुर से जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे डाला है। गोपाल मंडल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाव घटा है और जिस तरह NDA बिहार में 40 में 40 सीटों का दावा कर रही है यह संभव नहीं है। बिहार में NDA को अधिक से अधिक 32 सीटें आएंगी। जदयू विधायक ने यहां तक कहा कि यदि नरेंद्र मोदी ने देश के लिए अच्छा काम किया होता तो 40 से 40 सीट आ जाती। वहीं भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के विषय में पूछे जाने पर गोपाल मंडल ने कहा जदयू सांसद और प्रत्याशी अजय मंडल ने उन्हें चुनाव में पूछा तक नहीं। वहीं लालू यादव द्वारा मुस्लिमों का आरक्षण दिए जाने के सवाल पर गोपाल मंडल ने कहा कि चुनाव के बाद पता चल जाएगा। हम सत्य बोलते हैं, झूठ बोलते नहीं। बीजेपी NDA गठबंधन 32 सीट लाएगा, 40 नहीं पूरेगा। क्या कारण लगता है? कारण कहा क्या है नहीं है कितना पूछिएगा। नरेंद्र मोदी हमारे पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है, उनके खिलाफ क्या बोलेंगे भाई? आप लोग बोलना चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं। क्या बोलेंगे? अगर देश के लिए अच्छा काम किए होंगे 40 को 40 40 मिलेगा, देश के लिए अच्छा काम नहीं किए होंगे 40 को 40 नहीं मिलेगा। प्रभाव घटा है क्या उनका? हमें प्रभाव घटा है। भागलपुर में आप लगातार देखते रहे, मॉनिटरिंग करते रहे, बड़े बड़े नेता यहाँ है, क्या लगता है कितना अंतर होगा? किसका? भागलपुर में अजय मंडल, अजीत शर्मा, आपसे हमसे तो अच्छा आप ही बता सकते हैं। आप सब जगह घूमे हैं, जितना न्यूज आप लिए हैं, फीडबैक आप ही देते हैं, सब कुछ आप लगातार नजर बनाए हुए। अरे नजर में हम बैठे हुए थे, अजय हमको गाड़ी ने दिया ना, गाड़ी दिया ने कुछ दिया ने तेल दिया, हम बैठे रह गए। आपसे फोन नहीं किए, वो बात नहीं किए आपसे? आए थे बात करने के लिए, हम कह दिए अजीत शर्मा के पास पैसा, तुमको भी पैसा खर्च करना पड़ेगा, हम भी लेंगे आपकी बार, अगला बार नहीं दिया था। उधर गया तो उधर बोल दिया लोगों को
धोर ढेला फेकल खाली तब ढेले फेंके तो ढेला फेकल गेलो छे खाली। अजीत शर्मा भी क्या बात किए थे आपसे क्या नहीं? अजीत शर्मा से क्यों बात करेंगे भाई, हमारे पार्टी का लोग नहीं है, हम घर में बैठे रह गए। आपका अनुभव क्या बता रहा है? हमारा अनुभव क्या बताएगा, अगर जो जितना पब्लिक से संपर्क किया होगा वो जीतेगा। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का शहर के एक निजी होटल में जिले के सभी बैंक प्रबंधक के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के महाप्रबंधक नागेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि आज की समीक्षा बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो भी सभी शाखा प्रबंधक को बैंक से संबंधित लक्ष्य दिया गया था वो लक्ष्य पूरा हुआ है नहीं, साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंक प्रबंधक को किस तरह से काम करना है इसको बताया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे बैंक में अन्य बैंकों की तुलना में इंटरेस्ट कम है, इसलिए हमारे बैंक का ग्राहक बने और बैंक से संबंधित लाभ उठाएं। हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि रूरल हाउसिंग के तहत गांव के लोग जो छोटे छोटे मकान बनाने चाह रहे हैं और कम पैसे में मकान बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए 3 लाख, 5 लाख और 7.5 लाख तक का सुविधा दे करके उसके गांव के लोगों को हाउसिंग लोन के लिए प्रोत्साहित किया जाए और वो अपना मकान बना करके अपने घर में रह सके, उसकी सुविधा मुहैया कराई जाए। और उसके लिए हमारे बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट अन्य बैंकों के मुकाबले में सबसे कम है। उसके अलावा रिटेल लोन में हम जो कार लोन या व्हीकल लोन दे रहे हैं उसमें भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम है। उसमें एग्रीकल्चर एडवांस में तो कोई टारगेट ऐसा नहीं है, लेकिन रिटेल एडवांस में 1000 करोड़ से ऊपर हम लोग इस बार एडवांस करने के लिए टारगेट रखा है। MSME में भी हम लोगों ने 800 करोड़ का टारगेट रखा है कि बैंक एज ए होल हम लोग 800 करोड़ का एडवांस करेंगे और इसके माध्यम से इस क्षेत्र में आने वाले सभी लोगों को उसे लाभान्वित करके उसको फायदा दिलाएंगे। दो चीज़ें, रिटेल लोन को प्रायोरिटी देना और साथ में MSME लोन जो छोटे हमारे बिजनेसमैन है उसको इसके बैंक के साथ जोड़ना, उसको आर्थिक अगर कोई आवश्यकता है तो उसको MSME लोन को दे करके उसको आर्थिक रूप से सहूलियत दे करके उसको बिजनेस करने के लिए प्रायोरिटी दे करके उसको सहायता प्रदान करना। भागलपुर जिला अंतर्गत तिलकामांझी थाना क्षेत्र में विगत 7 वर्ष पूर्व बलात्कार के बाद हत्या कर देने का एक कांड हुआ था। उस मामले का मुकदमा लव कुश कुमार 6 DJ कोर्ट में चल रहा था। आज सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई और पॉक्सो एक्ट व 377 376 में 10-10 वर्ष की सजा और 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उक्त मामले में 3 व्यक्ति आरोपी था। गवाह गुजरने के बाद प्रमाण के साथ संदीप कुमार चौधरी को दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई। जो है एक सजा हुआ 377 में, 377 में 4 पॉक्सो एक्ट में और 302 में सजा हुआ। 377 376 जो हम बोल सकते हैं उसमें 10 वर्ष हुआ और 4 पॉक्सो एक्ट में जो है उसमें भी 10 वर्ष किया। 302 में जो लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ। ये घटना जो है तिलकामांझी थाना कांड संख्या 14-17 का है। ये घटना 7/4/17 का है कि ये जो है राजू ताती का लड़का वहाँ जो है जो संजीव ताती के यहाँ नौकरी करता था, काम करता था, वहीं लिखे पढ़ता था। ये उसके बाद जो उसी दिन जो है घटना का दिन जो है उसके लड़का के साथ यही है कि बलात्कार करने के बाद उसको मार दिया गया। इस पर जो है 7-8 गवाह जो है गुजारा गया, उसमें 2 आदमी 3 आदमी एक्यूज था। एक मृदुला देवी को डिस्चार्ज करके हटा दिया गया। फिर ये जो राम प्रवेश चौधरी था वो नौकर था, उसको भी छोड़ दिया गया है। आज इसको जो संदीप चौधरी जो है इस पर पूरा गवाह हुआ। आज इसको पूरा शक के आधार पर ठोस प्रमाण के आधार पर जो है आज सजा के बिंदु पर हुआ। सजा के जो है इसमें 377 में और 4 पॉक्सो एक्ट में जो है 10-10 वर्ष और 302 में लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ। ये केस जो है लव कुश कुमार के 7th ADJ के केस में चल रहा था